दोस्तों, आज हमारे पास वर्किंग के लिए है R15 का मैगविल फ्रंट एंड रियर। यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैगविल है वो नई कंडीशन में है। इसका कलर चेंज करना है, इसको कलर चेंज करके ब्लू करना है। पहले तो मैगविल को अच्छी तरह से धोना होता है और उसके बाद उसके ऊपर 320 नंबर का सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करना होता है। सैंडिंग पेपर करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर मारना होता है, डार्क करना होता है, क्योंकि ब्लैक ब्लू को अच्छी तरह से उभरने में मदद करता है। अगर आप ब्लैक नहीं मारोगे तो ब्लू को ज़्यादा यूज करना पड़ेगा और वो अच्छी तरह से शाइनी नहीं दिखाई देगा। इसलिए ब्लू कलर मारते समय, ब्लू एंड रेड कलर मारते समय आपको बैकग्राउंड में ब्लैक या वाइट अप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर अप्लाई कर दिया जा रहा है, पहले बाहर की तरफ से, बाद में अंदर की तरफ से। जिस जगह पे गन नहीं जाती उस जगह पे तिरछा होके आपको कलर अप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे आप देखोगे कलर को अप्लाई कर देने के बाद उसकी वाली स्टेज, बाद वाली स्टेज होती है कि उसके ऊपर कोट अप्लाई कर देना, क्लियर कोट भी उसको बोलते हैं। क्लियर कोट अप्लाई कर देने के बाद जो मैगविल है वो एलॉय व्हील है, वो जो नई शाइन है उस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो वीडियो है मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि स्लो में दिखाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, देखोगे क्लियर कोट अप्लाई करने के बाद एक फील हो गया पीछे वाला, यहाँ पे जो आगे वाला फील है उसके ऊपर भी क्लियर कोट अप्लाई कर दिया है। क्लियर कोट अप्लाई करने के बाद फील की शाइन आप देखोगे दोस्तों। उसके बाद वाली स्टेज होती है, इसको सुखाने के लिए छोड़ते हैं, तकरीबन 2 घंटे तक सुखाने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद फील रेडी हो जाता है बिठाने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों किस तरह से फील दोनों साइड से उसके ऊपर पेंटिंग एंड कोटिंग करनी होती है। फील पेंटिंग करने के बाद किस तरह से दिखाई दे रहा है इसकी लुक आप देख सकते हो, नई जैसी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्ती, सब्सक्राइब कीजिए।